हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर 15 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th. इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड दैट विल द इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि अगर हम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को ऑर्गेनिज्म को मार दें तो क्या बिल्कुल सेम इम्पैक्ट होगा या अलग अलग होगा. एंड आगे आपसे बोला गया है कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम. अर्थात अगर हम इकोसिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए क्या हम किसी ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं या मार सकते हैं. तो आपको हायना में इसका बेसिकली आंसर भी करना है. तो देखो, यस इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग All organism in a tropic level will be different for different tropic levels if all the producers are killed, then it will cause death or migration of primary consumers in the इको सिस्टम. तो इस तरीके से अगर हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को अगर हम हटाएंगे तो हमें जो इफेक्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. अगर आप प्रोड्यूसर को किल कर देंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो मर जाएंगे या फिर वो उनको स्विच करना पड़ेगा उस इको सिस्टम में. सो इफ प्राइमरी consumers are removed, the organism of higher tropic level will die. अगर हम primary consumer को remove कर देंगे अर्थात kill कर देंगे तो जो higher tropic level के organism हैं वो मरने लगेंगे. while those of lower level, so exponential growth much beyond the carrying capacity of environment. इसका मतलब जो भी नीचे लेवल के जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे वो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने लगेंगे ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा. तो अब आपसे आगे बोला गया था कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम. मतलब क्या हम किसी ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग इकोसिस्टम. नो, हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल विल अपसेट द होल इको सिस्टम एज ऑल कैटेगरीज आर लिंक्ड थ्रू food chain.